तो देखो मोलर स्पेसिफिक हीट, एक चीज सुनो। अब अगर बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट की, तो अच्छा मोलर स्पेसिफिक हीट से मैं आप पहले आपको क्या पढ़ा चुका हूं, मैं इससे पहले आपको पढ़ा चुका हूं स्पेसिफिक हीट। अच्छा स्पेसिफिक हीट क्या थी, S इज इक्वल टू क्यू बटे एम डेल्टा टी। बट एक चीज सुनो, ये तो आपने बोल दिया कि एक किलोग्राम कोई मटेरियल है, उसका अगर आपने टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया तो उसके लिए जो आपको हीट चाहिए वही आपकी क्या होगी, स्पेसिफिक हीट होगी। अच्छा जी, अगर आपको कोई ये बोल दे, अगर आपको कोई ऐसे कह दे कि हाँ आपको ये बोल दे कि आपको एक हम थोड़ी गैस दे रहे हैं, 2 मोल गैस दे रहे हैं, उस गैस का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो उसके लिए जो हीट चाहिए उसको आप लोग क्या बोलोगे। ठीक है, मेरा क्वेश्चन सुनो दोबारा। अच्छा अगर 1 किलोग्राम का कोई मटेरियल है, कोई ठोस है, कोई सॉलिड है, कोई कूड़ा करकट है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने को बोल दिया, तो उसको उसके 1 किलोग्राम के लिए जो हीट चाहिएगी उसको आप बोलोगे क्या, स्पेसिफिक हीट। अच्छा मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि स्पेसिफिक हीट तो यूज़ में आती है सॉलिड और लिक्विड के लिए, और मोलर स्पेसिफिक हीट किसके लिए यूज़ में आती है, गैसेस के लिए। तो मोलर स्पेसिफिक हीट को S से ना लिख के फिर किससे लिखते हैं, C से लिखते हैं, उसमें भी हीट ही चाहिए। बट गैसेस में हम 1 किलो गैस 2 किलो गैस नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे 1 मोल गैस 2 मोल गैस। तो M की जगह क्या जाएगा, N, C इज इक्वल टू क्यू बटे N डेल्टा। क्लियर, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो स्पेसिफिक हीट है ना वो तो होता है क्यू बटे एम डेल्टा टी, लेकिन मोलर स्पेसिफिक हीट की हीट क्या होता है आपका, ये होता है क्यू बटे एन डेल्टा। अब मोलर स्पेसिफिक हीट 2 टाइप का होता है, स्पेसिफिक हीट 2 टाइप का होता है, एक तो होता है सीपी, इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशरल मोलर स्पेसिफिक हीट, और एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट, 2 टाइप का होता है। ठीक है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, क्यू बटे एन डेल्टा टी, क्यू बटे एन डेल्टा टी, इसको सी भी बोलते हैं, क्यू बटे एन डेल्टा। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ दोनों में फिर फ़र्क क्या है, कि दोनों का फॉर्मूला सेम है तो फिर इसको कांस्टेंट प्रेशरल क्या ये बोल रहे हैं और इसको कांस्टेंट वॉल्यूम वाला क्या कुछ हम कह रहे हैं वो समझाता हूँ, सुनो। अच्छा कोई सॉलिड मटेरियल है, उस सॉलिड मटेरियल को अगर आपको गर्म करना होगा तो उसमें क्या तरीका है, उसमें यही तरीका है कि उसको आप क्या करो, उसको गर्म करो, उसको बाहर से हीट दो तो वो गर्म होगा, तो उसके अंदर कोई चक्कर नहीं है। उसके अंदर अगर आप S इज इक्वल टू क्यू डेल्टा टी, क्यू बटे एम डेल्टा टी रखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्यू वहाँ पे हीट है, एम वहाँ पे मास है, डेल्टा टी वहाँ पे टेम्परेचर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब गैसेस को हीट देने की बात आती है ना, तो गैसेस को हीट 2 टाइप से दे सकते हैं। अच्छा आपको कोई बोल दे कि इस गैस का मेरे को टेम्परेचर बढ़ा के दिखाओ, तो आप कोई गैस का टेम्परेचर 2 तरीके से बढ़ा सकते हो। ठीक, कैसे कैसे बढ़ा सकते हो 2 तरीके से, एक तो आप कोई गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उस गैस को दबा दो, ठीक है, मतलब उस गैस का जो कंटेनर है ना उसको ज़ोर से पिंच कर दो। ठीक है, ये गैस का कंटेनर है, इसको ज़ोर से पिंच करो तो इसके अंदर की जो गैस है ना वो पिचकेगी और उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा।
इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ऐसे तुम लोग नहीं समझोगे कि किसी गैस को पिचकने से किसी का टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा। आप कभी भी साइकिल या बाइक के अंदर पंप से हवा भरना, ठीक है, और उसके बाद क्या करना कि हवा 25-30 राउंड लगा के और देखना पंप के साइड्स गर्म हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने उस टाइम किया क्या था, आपने हवा को दबाया था। अब आपने तो उस वाले कारण से नहीं दबाया था, आपने इस कारण से हवा को नहीं दबाया था कि अरे हवा गर्म हो जाए, आपने तो इस कारण दबाया था कि पंप की हवा दबाव से प्रेशर लग के टायर में पहुंच जाए, ठीक है। बट हाँ, उस हवा को थोड़ी पता था, उसने ये सोचा कि आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। तो आपने जब हवा को दबाया तो आपका जो कुछ फर्क है वो तो हवा को धकेलने में चला गया टायर में, और आपका कुछ फर्क है उसने उस हवा को पिंच कर करके गर्म कर दिया, और जब वो हवा गर्म हुई तो उस वो जो पंप है वो भी गर्म हो गया। तो ये ऑब्जर्व करना भी किसी और का लाके कर लेना चाहिए। अब ये चीज़ तो देखो मैं नहीं बता सकता आपको, बट करके देखना आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक तो आप किसी चीज़ का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रखो, पंप का वॉल्यूम। आप पंप को कोई फुलाते कम करते ज़्यादा करते थोड़ी हो, आप पंप के अंदर प्रेशर कांस्टेंट रखते हो और उससे उसका टेम्परेचर है पंप के अंदर आप वॉल्यूम है वो बार बार चेंज करते हो और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ, वॉल्यूम को कैसे करते हो बार बार, जब आप पंप को डंडी के अंदर पूरा डाल देते हो तो उसका वॉल्यूम जीरो माना जाता है, जब आप पंप को ऊपर ऐसे खींचते हो तो उसका वॉल्यूम मैक्सिमम माना जा सकता है। तो वॉल्यूम को बढ़ा के कम करके ऐसे कर करके ऐसे मतलब दबाव लगा लगा के ऐसे कभी नीचे धकेला तो वॉल्यूम को ज़ीरो कर दिया, और जब आपने ऊपर अगर उसको ऐसे निकाला तो उससे क्या हुआ, वॉल्यूम को आपने बढ़ा दिया, तो उस कंडीशन में आपका बार बार क्या बदल रहा है, वॉल्यूम बदल रहा है, ठीक है, वॉल्यूम बदल रहा है। तो वो कौन सा है, पंप वाला एग्जांपल, वो कांस्टेंट प्रेशर वाला है, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है, ये पंप वाला एग्जांपल है, ठीक है। तो आप दो तरीके से हीट दे सकते हो, दूसरा आप हीट दे सकते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो फिर हीट देने का एक तरीका है, चीज़ को बाहर से गर्म कर दो गैस चूल्हा लगा के, तो गैस चूल्हा लगा के अगर गर्म करोगे ना तो उस चीज़ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम करे कुछ बढ़ेगा नहीं, ठीक। तो इसीलिए गैस की दो होती है, एक तो होती है सीपी, फॉर्मूला दोनों का सेम है, बात एक ही मानी जाएगी, उतनी हीट एक मोल को एक डिग्री बढ़ाने के लिए उस टाइम देनी पड़ेगी, बस वो हीट तुम अपनी खुद की जोड़ लगा लगा के देना और उस हीट में गैस स्टोव से गर्म कर लेना। तो फर्क इतना ही है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, बस एक में कांस्टेंट प्रेशर रहता है यानी चेंज क्या होता है, वॉल्यूम, एक में कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है यानी चेंज क्या होता है, टेम्परेचर, ठीक है। तो इतना आपको करना है इसको, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है भी? तो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो मैंने आपको पूरा क्या करवा दिया है, कंटिन्यू करवा दिया इसको, इसमें और तो कुछ बताने वाला नहीं है। चलो हम बताते हैं इसके अंदर और आपको, ठीक है तो नहीं बट बताते हैं, सुनो। एक आपका होता है गामा कांस्टेंट, गामा कांस्टेंट, ठीक है। इसका एक नाम और है, ये नाम आप लोगों को बाद में समझ में आएगा कि ये नाम इसका क्यों है, एडायबेटिक स्टेट कांस्टेंट, ये आपको बाद में पल्ले पड़ेगा कि इसका ये नाम क्यों है, एक बार आप बस इतना ध्यान रखो इसका ये नाम भी है। और गामा को लिखते ऐसे हैं, एक ग्रीक का लेटर है गामा, ऐसे लिखते हैं गामा को ऐसे, ठीक है ऐसे, बट आजकल ये डंडी नहीं लगाते, ऐसे लिखते हैं आप गामा को, है ना, ऐसे लिखते हैं। तो ये आपका क्या है, ये गामा है, ठीक है, ध्यान रखना, दोबारा बता देता हूँ, फ्री हैंड में ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ऐसे इस हिसाब से, यानी वाई लिख के आप इसको यहाँ से ओपन कर दो, ठीक है। बाकी सारा लिखने का तरीका गलत है, एक्चुअल अगर कोई बच्चा अगर ग्रीक पढ़ रहा हो तो उससे अल्फ़ाबेट उसका कायदा छीन के देख लेना, और तो क्या बता सकता हूँ अब इसमें, ठीक है। बहुत तरीके लोग ऐसे लिखते हैं, लोग ऐसे भी लिखते हैं, गलत है सब कुछ। आगे देखो,
हाँ अपनी जैसे ABCD होती है ना, वैसे ग्रीक की ABCD होती है, अपने वाली ABCD चलती है, उनकी अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा थीटा साई काई वाई एप्साइलन डेल्टा डेल और इसके अलावा नोट डी नोट और डेल और डेल्टा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूँ तो किट्टा कप्पा, ठीक है, और इसके अलावा बात करूँ तो आयोटा, काफ़ी सारे अक्षर होते हैं, ठीक है, लगभग सारे आ जाएंगे इसके अंदर। अगर मैं बोलूँ तो आपको न्यू म्यू, ठीक है, ये सारे किसके लेटर है, सारे ये ग्रीक के लेटर है, ठीक है, तो ये सारे ग्रीक की ABCD है। तो हाँ, अब बात कर रहे थे एडियाबेटिक स्टेट कॉन्स्टेंट कौन सा, गामा। अब गामा कॉन्स्टेंट आपका होता है जब आप CP को किससे भाग दे दो, CV से, ठीक है, तो आपका क्या होता है गामा, ठीक, क्लियर है, क्लियर है। तो बस इतना ध्यान रखना CP/CV आपका क्या होता है, गामा होता है, ठीक। कर लोगे तो अच्छा है, कर लेना, इतना ही करवाएंगे, इतना ही है। हाँ एक चीज सुनो, CP है उस, वो होता है Q/N∆T। हाँ मैं बताना भूल गया ना, C की यूनिट क्या होगी, जूल बटे N किस में होता है, मोल, और ∆T किस में होता है, केल्विन में। तो यूनिट क्या होगी इसकी, जूल पर मोल केल्विन, ठीक। और दूसरा CV की यूनिट, अरे CP CV तो की यूनिट तो सेम ही है, CP CV, ये PV तो बस वो प्रेशर वॉल्यूम दिखाने के लिए है, ये असल में CC है, तीनों की यूनिट यही होगी, जूल पर मोल केल्विन। डायमेंशन तुम लोग निकाल लेना, मैं नहीं निकाल रहा, ठीक। तो गामा तो आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज़ देखो, CP की भी वही यूनिट है, CP की भी, CV की भी वही यूनिट है, तो वही यूनिट से वही यूनिट कट गई, यानी गामा क्या होता है आपका, यूनिट लेस। और जो चीज़ यूनिट लेस होती है वो साथ में क्या होती है, डायमेंशन लेस, ठीक है। चलो आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, ऐसी एक क्वांटिटी बताओ जिसकी यूनिट तो हो बट डायमेंशन ना हो, ठीक है, एकदम देसी में लिखा है, समझ जाना इसको, ठीक, कर लोगे, कर लेना। नेक्स्ट देखो, एक टॉपिक मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था, वो चार नंबर का आने वाला, कौन सा, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस ब्ला ब्ला ब्ला, वो वाला, ठीक है। अब उसी की रेंज का एक तीन नंबर का आने वाला टॉपिक करवा रहा हूं, रिलेशन बिटवीन CP and CV, ठीक है, करवा तो अगली वीडियो में रहा हूं, एक बार कुछ खा के आते हैं, बट हेडिंग लगा के जा रहा हूं, बाय।